नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ई लर्निंग चैनल पर। और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन की एक स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम में तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, जो कि जो मेजरेंड सिग्नल होता है, यानी जिसको मेजर किया जाना होता है, उस सिग्नल को वो एज एन इनपुट एक्सेप्ट करती है और उस पर्टिकुलर सिग्नल को उस सिस्टम के कॉम्पेटेबल वो बनाती है, ताकि हम उस सिस्टम में उसको प्रोसेस कर पाएँ। तो सेकेंड है सिग्नल कंडीशनिंग, यानी कई बार जो सिग्नल इनपुट डिवाइस से लिया जाता है वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि डायरेक्ट हम उसको प्रोसेस कर पाएँ। सो फर्स्ट उसको जो है प्रोसेसिंग करने के कैपेबल बनाया जाता है, तो दैट पार्ट इज सिग्नल कंडीशनिंग। एंड आफ्टर दैट उस सिग्नल पे जो है प्रोसेसिंग डिवाइस द्वारा प्रोसेस किया जाता है, और ताकि हम एक आउटपुट जनरेट कर सकें। सो आउटपुट डिवाइस जो है वो या तो रिजल्ट को रिकॉर्ड कर सकती है, या फिर उसको डिस्प्ले कर सकती है, या फर्दर किसी अन्य स्टेज को वो ट्रांसमिट कर सकती है। सो ये एक बेसिक हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया जो कि एक जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम को शो करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल इनपुट है, जो ट्रू वैल्यू को चेंज कर रहा है, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। सो इनपुट डिवाइस जो है वो बेसिकली ट्रांसड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सो ट्रांसड्यूसर जो है वो उस फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट चेंजेस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, या हम जनरल डेफिनेशन ट्रांसड्यूसर की दे सकते हैं कि अ डिवाइस दैट कन्वर्ट वन एनर्जी फॉर्म टू अनदर। सो उसके बाद जो है सिग्नल प्रोसेसर जो है उस पे सिग्नल प्रोसेसिंग करेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, और उस आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, रिकॉर्ड करेगा, या फर्दर जो स्टेजेस हैं उस पे ट्रांसमिट करेगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो डेफिनेशन होती है ट्रांसड्यूसर की, उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ फिजिकल क्वांटिटी और अ फिजिकल कंडीशन इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ताकि हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उसको प्रोसेस कर पाएँ, मेजरमेंट कर पाएँ, और उसके जो रिकॉर्ड है उसको हम शो कर पाएँ। सो अनदर नेम ऑफ ट्रांसड्यूसर इज ऑल्सो अ पिकअप। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे शो की गई है, दैट इज हीट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ह्यूमिडिटी, फ्लो रेट ऑफ एयर और लिक्विड एंड द लेवल ऑफ द लिक्विड। एंड इसके अलावा जो है वो एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, और कई सारी फिजिकल क्वांटिटी जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती है। सो बाय दीज ट्रांसड्यूसर्स हम इन क्वांटिटीज़ को, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में चेंज करते हैं, और फिर हम जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उसकी सहायता से उन पे प्रोसेसिंग करके उनको मेज़र किया जा सकता है, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। नाउ वी सी द एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। जो फोटो कंडक्टर होता है वो लाइट इंटेंसिटी को रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज करता है, और जो माइक्रोफोन है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और जो लाउड स्पीकर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है, थर्मोकपल जो है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी तरह से जो स्ट्रेन गेज होता है वो फोर्स को जो है चेंज इन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द ट्रांसड्यूसर, जिससे सहायता से हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर। अब हम ट्रांसड्यूसर की क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। सो ट्रांसड्यूसर को हम पांच टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, द सेकंड इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स, द थर्ड वन इज़ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, फोर्थ जो है वो एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स, एंड द फिफ्थ इज ट्रांसड्यूसर्स एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, यानी अगर हम ट्रांसड्यूसर को उनके वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे उनको क्लासिफाई करते हैं, तो देर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, दैट इज रेसिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर।
बिकॉज अगर ये जो ट्रांसड्यूसर्स हैं अगर इनपुट क्वांटिटी को रेसिस्टेंस में चेंज करती है या फिर इंडक्टेंस में चेंज करती है या फिर कैपेसिटेंस में चेंज करती है, तो रेस्पेक्टली दे आर रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। सो हम जो है कुछ आरएलसी यानी रेसिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटेंस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर देखते हैं, एग्जाम्पल उनके और उनकी एप्लीकेशन देखते हैं। सो कुछ यहाँ पे रेसिस्टिव ट्रांसड्यूसर दिखाए गए हैं जिनकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए हम काम में ले सकते हैं। जैसे स्ट्रेन गेज है रेसिस्टेंस टाइप का, वो फोर्स टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए हम यूज में ले सकते हैं। इसी तरह से जो हॉट वायर मीटर होता है वो गैस फ्लो या गैस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जा सकता है। थर्मिस्टर यानी थर्मल रेजिस्टेंस, यानी ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी रेसिस्टिविटी थर्मल या हीट की वजह से चेंज होती है, सो दैट कैन बी यूज फॉर सेंसिंग द टेम्परेचर। इसी तरह से जो फोटो कंडक्टिव सेल है उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो जो लाइट इंटेंसिटी है उसकी वजह से चेंज होती है, सो हम एक रिले बना सकते हैं, फोटो सेंसिटिव रिले जो लाइट की वजह से उसका कनेक्शन ऑन होता है या ऑफ होता है। सो इस तरह से देर आर सम एप्लीकेशन ऑफ रेसिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। इसी तरह से जो कैपेसिटर्स ट्रांसड्यूसर है या कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है उनका भी हम यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए, प्रेशर मेजरमेंट के लिए, एंड इवन जो कैपेसिटर टाइप ऑफ माइक्रोफोन है वो स्पीच, म्यूजिक एंड नॉइस सेंस के लिए हम काम में ले सकते हैं। चूँकि जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होता है इन दो प्लेट के बीच में उस पर डिपेंड करती है, सो अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज किया जाए तो अगेन द कैपेसिटेंस वैल्यू विल बी चेंज। यानी एक फिजिकल जो क्वांटिटी है उसको हम एक कैपेसिटिव या एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट डाइलेक्ट्रिक गेज जो है वो लिक्विड लेवल या थिकनेस को मेजर करने में काम में लिया जा सकता है। इसी तरह से कुछ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स दिखाए हैं जैसे कि मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसड्यूसर जो कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है। रिलेक्टेंट पिकअप जो होते हैं वो अगेन प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट एंड द वाइब्रेशन को मेजर करने में काम में लिया जा सकता है। इसी तरह से जो एलवीडीटी होता है, डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर होता है, वो अगेन जो फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजिशन है उसको हम मेजर करने में काम में ले सकते हैं। सो इस तरह से जो आरएलसी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्रांसड्यूसर्स हैं, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ट्रांसड्यूसर का, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो कई बार जो है जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम सिंगल स्टेज से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमको मोर देन वन स्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रेशर सिग्नल है उसको किस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट किया गया है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने एक मॉडर्न ट्यूब का इस्तेमाल किया है जो कि जब हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से जो इसका फ्री एंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर इस फ्री एंड को हम एक कोर्ड की सहायता से यहाँ पे इसको एक डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर की कोर से कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जिसमें इन दोनों जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि इसमें जो कोर की मीन पोजीशन होने पर इन दोनों में सेम ईएमएफ जनरेट होता है पर अपोजिट फेज में। तो अगर इसकी मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेस होती है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होता है जो कि इसके डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में होती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर, वो बॉर्डन ट्यूब से जो है डिस्प्लेसमेंट में चेंज होती है, और डिस्प्लेसमेंट को जो है इस एलवीडीटी यानी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर से एक वोल्टेज एनालॉजस वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो बर्डन ट्यूब है इट इज़ अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जो कि प्रेशर सिग्नल को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करती है, और जो सेकेंड एलवीडीटी है वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट को एनालॉजस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इन मोस्ट ऑफ
मेजरमेंट सिस्टम एक हम मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हैं जो कि जनरली एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम में काम करता है, और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जैसे कि हम ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था वो एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम हमारे पास मिल जाता है जिसकी वजह से जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एज ए इंटरमीडिएट सिग्नल की तरह यूज करके और एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सो अनदर एग्जांपल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर इज जब हम फोर्स का मेजरमेंट करते हैं तो वी यूज लोड सेल एंड द स्ट्रेन गेज। सो जो लोड सेल है इट इज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड द स्ट्रेन गेज इज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर इज पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर। सो पैसिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनको अपना आउटपुट जनरेट करने के लिए ऑक्सिलरी पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक्सटर्नली पावर की रिक्वायरमेंट होती है, उन ट्रांसड्यूसर को पैसिव ट्रांसड्यूसर कहा जाता है एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नली पावर ट्रांसड्यूसर। सो जितने भी रेसिस्टिव इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हमने देखे हैं वो सभी जो है वो पैसिव ट्रांसड्यूसर है क्योंकि इनको हमको पावर देनी होती है आउटपुट जनरेट करने के लिए। और जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं उनको अपना आउटपुट जनरेट करने के लिए एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उनको हम सेल्फ जनरेटिंग टाइप जो है ट्रांसड्यूसर कहते हैं क्योंकि वो अपनी जो एनर्जी है वो जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसी से वो एनर्जी लेते हैं अपनी मेजरमेंट के लिए। एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मेजरिंग द एक्सेलरेशन। पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल होता है जैसे कि हम जानते हैं जब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे जब हम प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो इसके आउटपुट पे एक वोल्टेज जनरेट होता है। सो अगर हम एक सिस्टम यहाँ पे बनाएं ऐसा कि एक फिक्स मास जो है वो यहाँ पे अप्लाई हम कर दें इन क्रिस्टल के बीच में जो कि दो मेटालिक इलेक्ट्रोड के बीच में सैंडविच है और जहाँ से हम एक्सेलरेशन इसको देना चाहते हैं वो यहाँ के इसके बेस पे अप्लाई करते हैं। सो हम जानते हैं देर इज अ रिलेशन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो मास है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो जो जनरेटिंग जो फोर्स होगा वो इस एक्सेलरेशन अप्लाइड एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनली होगा और ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो इस फोर्स के प्रोपोर्शनली एक आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगा जो कि इस फोर्स के प्रोपोर्शनली होगा और ये फोर्स जो है वो इस एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। सो इनडायरेक्टली ये जो फोर्स है जो एक्सेलरेशन है वो आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में जनरेट हो जाएगा और इसको हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं बिकॉज इसको जनरेट करने के लिए, इसको आउटपुट जनरेट करने के लिए एक्सटर्नली पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एनालॉग ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो अपना आउटपुट जो है एनालॉग क्वांटिटी में देते हैं, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम। और डिजिटल ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो अपना आउटपुट जो है पल्सेस की फॉर्म में देते हैं। नाउ वी सी द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, दैट इज ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर हमने जैसे ब्रॉडली डिफाइन किया है एक डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करती है। सो इसका जस्ट इनवर्स इनवर्स ऑपरेशन जो है वो अगर एक डिवाइस हम कहें जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में या आउटपुट में चेंज करती है दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। सो अगर हम इसका एग्जांपल देंगे दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल है दैट इज एग्जांपल ऑफ इनवर्स ट्रांसड्यूसर बिकॉज हम जानते हैं जब इस पे इसके इलेक्ट्रोड्स पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो जो है वाइब्रेट करता है, उसकी फिजिकल डायमेंशन चेंज होती है। सो बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट इज वोल्टेज उसकी फिजिकल डायमेंशन चेंज होती है। सो देर इज अ मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। सो पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल होता है वो एग्जाम्पल है इनवर्स ट्रांसड्यूसर का। इसी तरह से जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है एक करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो
अकॉर्डिंग टू जो करंट है उसको एक फोर्स एग्जर्ट होगा, और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स उसमें ट्रांजिशनल या एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट आएगा। सो एक करंट क्वांटिटी को जो है हम बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रांसड्यूसर जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इनवर्स ट्रांसड्यूसर। सो इस तरह हमने ट्रांसड्यूसर का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने कंप्लीट किया है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ट्रांसड्यूसर जो है मेजरली पांच पार्ट्स में जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड रेसिस्टिव ट्रांसड्यूसर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी टेकन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। और जो स्टेजेस होती हैं अलग अलग मेजरमेंट की, उसके हिसाब से प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स, एंड जो आउटपुट जनरेट होता है वो एनालॉग और डिजिटल के आधार पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड अगेन द टाइप ऑफ ऑपरेशन, अगर वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर रहा है तो दैट इज इनवर्स ट्रांसड्यूसर, और अगर वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर रहा है तो दैट इज ट्रांसड्यूसर। सो इस तरह से वी हैव कंप्लीट द ट्रांसड्यूसर क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए जो मेजर पोर्शन है वो मैंने एक सहनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक से लिया है, एंड थ्रू इंटरनेट विकिपीडिया से जो है इसको हेल्प ली गई है इस लेक्चर को बनाने में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अ टाइम विद दिस लेक्चर, एंड आई एम श्योर आपको जो है ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम जो है जो सिलेबस में मेंशन ट्रांसड्यूसर है उनकी स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। थैंक यू।